हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तो न्यू वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं। ये वीडियो जरिए रहेगी सरकारी रजिंद्रा कॉलेज बठिंडा दे रिगार्डिंग रहेगी। रजिंद्रा कॉलेज बठिंडा दे विच केड़े केड़े कोर्स तुहानू अवेलेबल मिलेंगे जिहड़े तुसी कर सकदे हो जां एडमिशन लेना चाहुंदे हो। वेरियस कोर्स जिहड़े तुहानू इस कॉलेज दे विच मिलेंगे, यह रजिंद्रा कॉलेज बठिंडा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे एफिलेटेड कॉलेज आ। तो ये देखा इस वीडियो दे नंबर ऑफ सीट्स इन कोर्स किनिया रहनगिया, वेरियस कोर्स डिस्कस करांगे, उहदे नाल उहदियां सीट्स जिन्नियां अवेलेबल ने इस कॉलेज दे विच। उस तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की रहेगा, उहदे नाल मोड ऑफ एडमिशन की रहने वाला है, इस वीडियो दे विच प्रॉपर तुहानू दसांगे। तुसीं वीडियो नूं एंड तक देखो। जिहड़े बच्चे स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी रजिंद्रा कॉलेज के वीडियो इंट तक देखो ता जो तुहाडे डाउट क्लीयर हो जाए किहड़े किहड़े कोर्स इहदे विच अवेलेबल ने, सीट्स किनिया तुहानूं मिलनगियां, ड्यूरेशन कोर्स किन्ना रहने वाला, मोड ऑफ एडमिशन की रहने वाला है। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी अंडर ये कॉलेज सब कुछ पंजाबी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होगा, गवर्नमेंट रजिंद्रा कॉलेज बठिंडा के। लो जी, वीडियो करते स्टार्ट। सब तो पहला जो कोर्स रहेगा वो बैचलर ऑफ आर्ट्स रहेगा, 3 साल का कोर्स रहने वाला है। 800 8 सौ जीट्स सीटा तो मैरिट बेस इसकी एडमिशन रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल करिए प्लस टू पास होना चाहिए एनी सब्जेक्ट एनी स्ट्रीम के बी ए कर सकता है। उस तो बाद नैक्सट जो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर स्कूल इन इकनोमिक्स, 3 साल का कोर्स रहने वाला है, 40 सीटा रहनगिया, मैरिट बेस एडमिशन रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल करिए प्लस टू पास होना चाहिए एज ए इंग्लिश सब्जैक्ट होना चाहिए, तो इकनोमिक्स सब्जैक्ट होना चाहिए मेन। जेकर गल करिए मेन सब्जैक्ट इकनोमिक्स होना चाहिए, 45% मार्क्स इकनोमिक्स के होने चाहिए स्टूडेंट के। उस तो बी ऑनर्स के जेकर करना चाहता है तो उन्होंने फस्ट जरा पार्ट रहेगा 50% मार्क्स चाहिए ने बी ए फस्ट ईयर के, उस तो घट नहीं होने चाहिए। इस तो बाद बैचलर ऑफ साइंस बी एस सी मैडिकल, 3 साल का कोर्स रहेगा। मैडिकल कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े तो डिस्कस करेंगे। 80 सीटा रहनगियाँ, मैरिट बेस इसकी एडमिशन रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल करिए स्टूडेंट हैज पास प्लस टू एग्जाम विद मैडिकल स्ट्रीम। मैडिकल के स्ट्रीम के सब्जेक्ट ये मैनशन ने, बायोलॉजी कमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस फिजिक्स इस तरह के इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट आ सकते हैं। मेन जरा इस बायोलॉजी थोड़े को सब्जेक्ट होना चाहिए मेडिकल स्ट्रीम दे। इस तो बाद जो नैक्सट कोर्स रहने वाला है बैचलर ऑफ साइंस बी एस सी नॉन मेडिकल, 3 साल का कोर्स रहेगा, 100 सीटा रहनगियाँ, उसके नाल मैरिट बेस एडमिशन रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रहने वाला है, स्टूडेंट प्लस टू पास होना चाहिए विद नॉन मेडिकल स्ट्रीम के। मेन जरा मेन सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ, 45% मार्क्स अबव चाहिए ने मैथ के, तो स्टूडेंट ध्यान देन 45% मार्क्स। कैमिस्ट्री उस तो बाद कंप्यूटर साइंस इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स भी हो सकता है, जेकर किसी स्टूडेंट को फिजिक्स सब्जेक्ट है तो नॉन मेडिकल विच एडमिशन ले सकता है। उस तो बाद बी एस सी जरा रहेगा नॉन मेडिकल कंप्यूटर साइंस के, 3 साल का कोर्स रहेगा, 40 सीटा रहनगियाँ, मैरिट बेस एडमिशन रहने वाली है, प्लस टू पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लस टू पास होना चाहिए स्टूडेंट विद साइंस मैथमैटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस टू के। इस तो बाद नैक्सट कोर्स है जरा बैचलर ऑफ कॉमर्स बी कॉम, 3 साल का कोर्स रहेगा, 120 सीटा रहनगियाँ, मैरिट बेस एडमिशन रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रहने वाला है, स्टूडेंट प्लस टू पास होने चाहिए विद कॉमर्स स्ट्रीम के, एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए 40% मार्क्स अबव चाहिए ने स्टूडेंट के। इस तो बाद नैक्सट कोर्स जो रहेगा मास्टर कोर्स, ये गल करते हैं मास्टर कोर्स की। पी जी कोर्स सब तो पहला जो पी जी कोर्स आया है वह एम ए पोलिटिकल साइंस पोल साइंस का सब्जेक्ट है, 2 साल का कोर्स रहने वाला है, 40 सीटा रहनगियाँ, मैरिट बेस एडमिशन रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल करिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है, बी ए पास होना चाहिए 50% मार्क्स,
सेल्फ सफिशियंट अचीव एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट के एम ए पोलीटिकल सैंस के एडमिशन लैन के लिए। इस तो बाद सम कोर्स डिफरेंट आ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी के वालों सैल्फ फाइनांस कोर्स आ रहेगा, वो सारी डिटेल इस डिस्कस करते हैं। कुछ सैल्फ फाइनांस का मैं पहला ही दस देना, सैल्फ फाइनांस कोर्स कहे होंगे जिदी मैनेजमेंट सारी डिपार्टमेंट पर डिपेंड हो, डिपार्टमेंट से सारी मैनेजमेंट डिपेंड होने करके इसकी जी फीस रहेगी, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई रहेगा, फीस स्ट्रक्चर इस करके पहला ही स्टूडेंट ध्यान देन, सैल्फ फाइनांस कोर्सा की थोड़ी जी फीस ज़्यादा रहती है। कोर्स की गल करिए सब तो पहला जो इस कोर्स है बैचलर ऑफ कॉमर्स बी कॉम ऑनर्स 3 साल का कोर्स रहेगा, 60 सीटा रहनगियाँ, मैरिट विज एडमिशन रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रहेगा, पास विद प्लस टू विद कॉमर्स स्ट्रीम एटलीस्ट 40% मार्क्स पास होने चाहिए स्टूडेंट प्लस टू के। उस तो नैक्सट कोर्स है जरा नैक्सट कोर्स रहने वाला है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बी सी ए, तद किन्ने साल का कोर्स रहेगा 3 साल का कोर्स रहेगा, 80 सीटा रहनगियाँ, मैरिट विज एडमिशन इसकी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल करिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहने वाला है कंप्यूटर साइंस कैन बी ऑप्ट ओनली इफ स्टूडेंट पास प्लस टू विद साइंस कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये कंप्यूटर साइंस ऑप्शन सब्जेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, फिर ही बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकता है बी सी ए। उस तो बाद नैक्सट कोर्स जो रहने वाला है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिन बी वी, 3 साल का कोर्स रहेगा, 50 सीटा रहनगियाँ, इसकी मैरिट विज एडमिशन रहने वाली है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया की गल करिए एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया की रहने वाला है, प्लस टू पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम के, एनी स्ट्रीम मैडिकल नॉन मैडिकल कॉमर्स साइंस सॉरी आर्ट्स। नैक्सट कोर्स है जरा राजेंद्र कॉलेज बठिंडा के बैचलर ऑफ साइंस बी एस सी ऑनर्स आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, 3 साल का कोर्स रहेगा, 50 सीटा रहने वाली ने, मैरिट वीस एडमिशन रहने वाली है इसकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रहेगा स्टूडेंट प्लस टू पास होना चाहिए विद मैथ सब्जेक्ट। इस तो बाद कुछ पी जी कोर्सों की गल करते हैं, तो सब पहला जो यू जी कोर्स है पी जी कोर्स की गल करिए एम ए फिलोसफी एम ए फिलोसफी कोर्स तुम्हें अवेलेबल मिलेगा, 2 साल का कोर्स रहेगा, 30 सीटा रहनगियाँ, मैरिट वीज एडमिशन रहेगी। इस तो बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रहने वाला है स्टूडेंट पास बैचलर ऑफ डिग्री विद एनी स्ट्रीम के बैचलर ऑफ कोर्स पूरा होना चाहिए एज एज ए सब्जेक्ट, स्टूडेंट को एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए फिलोसफी बी ए फिलोसफी सब्जेक्ट होना चाहिए, उन्होंने वेटेज मिलेगी स्टूडेंट को, इस चीज़ का ध्यान रखना जिन्हों को बी ए बी एस सी फिलोसफी सब्जेक्ट है उन्होंने वेटेज मिलेगी। इस तो बाद एम ए कोर्स मिलेगा तुम्हें एम ए हिस्ट्री, 2 साल का कोर्स रहेगा, 30 सीटा रहनगिया, मैरिट वेज एडमिशन रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल करिए जरा 10 स्टूडेंट पास होना चाहिए बैचलर कोर्स 50% मार्क्स के नाल, एज ए हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए बी ए वेटेज मिलेगी, जेकर बी ए को हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वेटेज तुम्हें जरूर मिलेगी, जो स्टूडेंट को है उन्होंने वेटेज मिलेगी। उस तो बाद एम एस सी फिजिक्स, तो यह पी जी कोर्स कुछ टैक्निकल ने, बी एस सी फिजिक्स के 2 साल का कोर्स रहेगा, 30 सीटा रहनगियाँ, मैरिट विच एडमिशन रहने वाली है। इस तो बाद एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया की गल करिए एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया की रहने वाला है स्टूडेंट पास होना चाहिए बैचलर कोर्स विद 50% मार्क्स, तो 50% मार्क्स होने चाहिए इन स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट के, टोटल 50% मार्क्स हो, बट 50% मार्क्स फिजिक्स के होने जरूरी है, होर सब्जेक्ट में कंपेरिजन नहीं किया जाएगा। नैक्सट कोर्स है पी एस सी एम एस सी मैथ, एम एस सी मैथ रहेगा, 2 साल का कोर्स रहेगा,
30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੋਡ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ BSc ਵਿਦ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਥ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਆ ਇਨ ਮੈਥ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਕੋਰਸ ਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਮ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਪਾਸ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਿਦ 50% ਮਾਰਕਸ, 50% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੁਛ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਰਹੇਗਾ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਇਸਦੀ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦ 50% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਵਿਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਟਸ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਮੋਡ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਕੁਛ ਹੱਦ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਫਾਰਮ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ JV Station, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਨੀ ਡਾਊਟ। ਵੀਰੀਅਸ ਕਾਲਜ ਲਾਈਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰੀਅਸ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੋਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਐਫੀਲੇਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਐਫੀਲੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਿਸਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੋਰਸ ਡਿਟੇਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।